दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लैक वाटर के बारे में तो सुन ही लिया है, अभी हम लोग जाएंगे फ्रेश वाटर स्पेशल में। फ्रेश वाटर स्पेशल, जो लोग आप फ्रेश वाटर में मछली पालते हो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कभी कभी आप लोगों के मछली का कुछ बीमारी होता है जिसका नाम है वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट। तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग क्या करें। कुछ कुछ दुकान में आप छोटा छोटा जो दवाइयाँ होता है ब्लैक स्पॉट वाइट स्पॉट कटाने के लिए, वो ख़रीद लेते हो, वो पानी में डाल देते हो, पानी ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लेकिन आपके कुछ काम नहीं आते। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वाइट स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट के लिए आपको क्या करना है। आपको डॉक्टर प्लस ये फ्रेश वाटर स्पेशल दवा लेना है, इससे आपका मछली का जो वाइट स्पॉट है और जो ब्लैक स्पॉट है ये अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। और सेकेंड बात ये है कि आपके मछली कभी कभी आप देखिएगा, या फिर आप लोगों के साथ कभी कभार ऐसे हो भी चुका है, आपके मछली पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं करते। समझिए, आपने किसी सेलर से मछली ख़रीदा है, जो भी आपके पसंद की मछली हो, बहुत ब्यूटीफुल मछली हो, तो आपने उसको खरीद के अपने टैंक पे रखा है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हो गया, वो घूम तो रहा है लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा है। तो आप टेंशन में पड़ गए कि मेरा मछली तो कुछ खा नहीं रहा है, हम क्या करें। आप उसको पूछ रहे, अपने फ्रेंड को पूछ रहे कि मेरा मछली खा नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो कभी कभी क्या होता है, उसके पेट में कुछ मैल जम जाता है, जिसके कारण वो जो खाना है उसका वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जो फ्रेश वाटर स्पेशल दवा है, ये दवा देने से कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा पानी में, जिसके कारण आपके मछली देखेंगे कि तुरंत वो खाना शुरू कर देगा। आप 2 घंटा या 4 घंटा इसको पानी में डालने के बाद आप देखेंगे आपका मछली खाना स्टार्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके मछली कभी कभार देखते हैं कि वो स्ट्रेस में चला जाता है। समझिए, आपके मछली को आपने टैंक में छोड़ा और आपने देख लिया कि आपके मछली एक्वेरियम के कॉर्नर पकड़ के वहाँ पर बैठा है, हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आप तो परेशान हो गए कि मेरा मछली इतना सुंदर था, इतना दिन से खेल रहा था टैंक में, जब मैं सेलर से ख़रीद के लाया तो उसके टैंक में भी बहुत अच्छा खेल रहा था, तो मेरे टैंक में आकर ऐसा क्यों कर रहा। इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए, आपके मछली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया और आपके पास सही सील भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये डॉक्टर प्लस का दवा अगर आपके घर में रहे, ये स्ट्रेस हील का भी काम करता है। जी दोस्तों, मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में स्ट्रेस हील का भी काम करता है। अगर आपके पास स्ट्रेस हील ख़त्म हो गया हो, या फिर आपके जो लोकल स्टोर में जो आप जहाँ पे मछली का खाना या फिर आप मछली खरीदने जाते हो व्हाटएवर, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस हील नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास अगर ये दवा रहा तो स्ट्रेस हील का भी काम हो सकता है। और लास्ट बात एक बताना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ ईच प्रॉब्लम होता है मछली का। जैसे कि आप देखेंगे आपके मछली नीचे जो पत्थर दिया होता है, जो आप स्टोन्स कहते हैं, उस स्टोन्स के ऊपर या फिर सैंड के ऊपर मछली कभी कभी क्या होता है, उसकी ईच प्रॉब्लम के लिए ऐसे सो जाकर कुछ इचिंग प्रॉब्लम दिखाता है कि उसका ऐसे बॉडी में कुछ इचिंग प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मानिए हम लोग का जो आदमी को या फिर कोई इंसान को अगर खुजली होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है, मछली को भी जब खुजली होता है, इचिंग प्रॉब्लम होता है, तो वो भी ऐसे खुजली के लिए वैसे पत्थर के ऊपर सैंड के ऊपर इचिंग प्रॉब्लम उसका दिखाता है। तो इसीलिए अगर इचिंग प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है तो आपको ये डॉक्टर प्लस का फ्रेश वाटर स्पेशल ये दवा घर में रखना पड़ेगा। जब भी मछली का आप इचिंग प्रॉब्लम देखेंगे, आप ये दवा पानी में डाल सकते हैं, इसमें आपका इचिंग प्रॉब्लम भी दूर होगा और जो मैंने बताया ये स्ट्रेस हील का भी काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जाते हैं तीसरा वीडियो में।